अगर लेकर जाना होता ना तो मेरे जो ये छूटे ना ये भी चले जाते हैं अगर लेकर जाना होता तो। लेकिन वो शायद नींद में होंगे तो प्लीज कृपया यही हम सबसे बोलेंगे भैया कौन है। अरे बाप, शी सो क्यूट गाइस, देख सकते हो। अरे ना 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 ना, छुपा देख लो। बहुत बहुत रे समझे के उसका दावने शाम उठ के एक ठो रोटी खाए। माशाल्लाह गाइस, कहां मेरा दिलबर किधर है, बुला उसको। तो गाइस हम नंगे पैर अब निकल गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड जुमा मुबारक टू ऑल गाइस। तो अभी हमारे साथ एक घटना घटी है भाई कि हम नमाज फजर पढ़ने के लिए आए थे मस्जिद में, बड़ी मस्जिद देख सकते हो ये। एंड भाई ये रहा हमारा चप्पल, देख रहे हो, एंड किसी ने हमारा चप्पल ये चेंज करके लेके चले गए गाइस। ये ना काफ़ी सालों के बाद ये चीज़ें सामने आई हमारे पास। इससे पहले कई साल पहले हुआ करता था कि मतलब चप्पल चोरी हुआ करती थी हमारी, मतलब जब हम छोटे थे गाइस। आज हम बड़े हो गए, मतलब आज भी ये चीज़ें देखने को मिलता भाई, मतलब समझ रहे हो कि आई डोंट नो कि लोग आते हैं एंड नींद में आते हैं क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आता गाइस किस वे में। ये भी खोजने आएगा मेरे चप्पल, किस वे में लोग आते हैं भाई। अब हमको इंतज़ार करूँ, और वो वाला गेट पे भी देखे ना तो वो वाला गेट पे भी मेरे को नहीं दिखा, मतलब एक जोड़ी खरीद रखा हुआ, मतलब जिसका जो चप्पल होगा, लेकिन हमारा चप्पल कहीं पे भी नहीं दिख रहा गाइस। शायद के हम जब जमात ख़त्म हो गई थी ना, जैसी ख़त्म हो गई उस टाइम आया था शायद, उसका बोले तो अजर तो नहीं मिला मेरे को कि नहीं आप जमा लपा के चाह रहे हो कि नहीं आप जमात पकड़ो, शायद मेरे को ऐसा लग रहा, क्योंकि भाई यार ऑलमोस्ट बोले तो भाई अच्छा, मतलब रोशनी आ गया था भाई, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था गाइस। एंड फिर भी लोग इस तरह से कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता, मतलब जब निकल रहे थे तो किस वे में निकल रहे थे, आप नींद के झोंके में थे क्या। हम किसी पे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, शायद शायद क्या धोखे में ही होता, मतलब गलती से ही हुआ है जो हुआ। अगर लेकर जाना होता ना तो मेरे जो ये छूटे ना ये भी चले जाते हैं अगर लेकर जाना होता तो। लेकिन वो शायद नींद में होंगे तो प्लीज़ कृपया यही हम सबसे बोलेंगे भैया, जब आप फजर पढ़ रहे हो या कभी भी पढ़ रहे हो तो अपने चप्पल को सावधानी से देखें भैया। हम यहाँ पर आधा घंटा से मुसलसल आधा घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं, अब नहीं मिला, अब हम जा रहे भाई घर पर, ठीक है। दोनों चप्पल को यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, हम नंगे पैर जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, शायद जुमा टाइम मिल जाए, आई डोंट नो सर गाइस। एंड एक्स्ट्रा चप्पल भी नहीं है हमारे पास, देख रहे हो, कोई भी चप्पल हम वहीं छोड़ दिए चप्पल को, और अंदर कोशिश करते हैं देखने का। तो गाइस हम नंगे पैर अब निकल गए यहाँ से। तो हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि हम व्लॉग बनाए, लेकिन जब हमारा चप्पल मिसमैच हुआ ना तब मेरे को लगा कि ये बोले तो एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सो गाइस चलेंगे एंड दो तीन घंटा जो है वो सोएंगे, उसके बाद फिर उठकर अपना जो डेली का प्रोसेस है ना वो करेंगे। एंड दादी अकेली पड़ गई है वहाँ भी, उनको भी मतलब हर टाइम में गाय बगाए देखता रहना पड़ेगा। मिलते हैं जुमा तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये नॉटी से हम बोले तो काफ़ी दूर से हम आवाज़ दे रहे थे बंदे को कि नॉटी 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 नहीं सुना, एक बार खाली हम बोले ना इमरोज पटक से एकदम फटक दे देखिए, मतलब यू आर नॉट नॉटी। कहाँ जा रहे हो, गाड़ी निकाल निकाल के जल्दी ले गया। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई ये वाली मस्जिद में ना जमात खड़ी हो गई गाइस, देख रहे हो। क्या हो गया, तुम गया नहीं? हाँ हे गाड़ी निकाला नहीं आपके साथ, चलें चलिए साथ में। तो व्हाट इज दिस, गाड़ी तो निकालिएगा ना भैया। गाइस हम बोले जाएंगे उधर नमाज पढ़ने के लिए, ये बंदा सोच रहा ना कि इसी गाड़ी से हम भी चल जाएंगे। यू आर नॉट नॉटी, यू आर एक्स्ट्रा नॉट नॉटी। आप भी जाइएगा, चलेंगे हम तो। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली वो जाएगा अहले हदीस मस्जिद, तो हम जाएंगे भाई कलंगा वाली मस्जिद में, तो शायद इस वजह से वो अभी गया निकला। एंड गाइस 15 हो गया है, 5 मिनट बाद इमाम भाई आ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कलंगा। पता नहीं वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जमात खड़ी हो जाती है तो हम यहाँ के वहाँ पहुँचते हैं। तो आई होप कैसा ना हो, गर्लफ्रेंड से बात करता है ना गाइस, तो हमको शायद जवाब नहीं देता है, मतलब कुछ भी नहीं बोलता वो नहीं। अरे बाप, शी सो क्यूट गाइस, देख सकते हो। अरे ना 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 ना, छुपाना ना, एकदम नहीं छुपाना गाइस। ये बंदा जब भी गर्लफ्रेंड से बात करेगा तो भाई हमको इंटरफेयर होने नहीं देगा, मतलब इतना अंदर घुस जाता है ना, क्या बताऊँ, बोले तो गुफा में घुस जाता लग रहा है। तो ये बंदा जवाब ही नहीं देता भाई, जवाब क्यों नहीं देते आप? हम क्या जवाब दे भाई, जवाब तो दे रहे थोड़ी। हम आपसे पूछे भाई, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे रहमान साहब, रहमान साहब नमाज पढ़ लिए? अभी जा रहे, इतना लेट में क्यों, क्यों हो गया? मतलब रहमान साहब जब भी आए हैं झमेला दिए हैं, अब इसको रखना पड़ेगा हमको। गाइस हम लोग आ गए भाई कलंगा, ये रहा कलंगा, बहुत अच्छी तकरीर होती है यहाँ पे। नमो
गाइस बोले तो पूरा दिन में हम नहीं आए दादी के पास, और अभी बोले तो रात हुआ बोले तो ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे एंड अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे। दादी को दिन में बुखार था काफी, और हमको बाद में पता चला कि दादी को बुखार था, बुखार है, दर्द है, बुखार भी दर्द भी बेशुमार दर्द। हाँ लेकिन कैसे हो गया दादी अचानक? हो रहा है अब जैसे पानी बदली हो रहा है ना, हाँ। बंगाल का पानी है रहा है। हाँ ये चीज बोले आप करेक्ट बोले, हाँ ये चीजें हैं कि मतलब कहीं पे भी हम लोग को भी सबके साथ होता है भाई कि अगर कहीं पे आप जाएं, हम बिहार जाएं 2-3 दिन 4 दिन रहेंगे तो फिर थोड़ा बहुत होगा ही, यहाँ आएंगे तो फिर वो पानी इधर मतलब खत्म होगा, यहाँ पर ये पानी चढ़ेगा तो होता है, समझ रहे हो। तुम अभी दिखाने के लिए दाब रहे हो या दाब रहे थे पहले भी? हाँ दादी दादी से पूछ ली, दिखाने के लिए दाब रहा दादी, दाब रहा था ना ये, ख्याल कर रहा नहीं लड़का हमारा दिल भर, देख लो देख लो, बहुत बहुत रे समझे के उसका दावने शाम उठ के गोठो रोटी खाए। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, कहां मेरा दिल भर किधर है, बुला उसको, क्या बात है क्या बात है। सो गाइस जहां तक हुआ बोले तो नमाजीज बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहा था एंड हाँ दिलबर क्या तारीफ हो रहा है दादी के द्वारा, दिलबर बहुत अच्छा दावे हो आज आप दादी का बहुत अच्छा ख्याल रखे हो। तो दिलबर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने भाई हैं हमारे, और जिस तरह से ये क्यूट है ये इस तरह से हमारे दादी का ख्याल भी रख रहा है ये, माशाल्लाह थैंक यू। हाँ देखिए माशाल्लाह देख लो, ये बहुत बड़ी बात है, सब लोग आपको देखेंगे कि नहीं एक छोटा सा नन्ना सा पोता की वजह से दादी खुश हुई है। एक वो लखेरा गाइस कल वो बंदा क्या बोलते नवाजिस कल टीचर डे था, इतना डांस किया उछल उछल के डांस किया है। पहले आप वीडियो बनाए दादी जाने की खिदमत मत कीजिए, दादी जान का तो खिदमत है, खाली वीडियो बनाया दादी, दादी का अक्स अक्स मेरे अंदर तो तो आज हम अभी क्यों नहीं लाए पता है, शाम की वजह से, और हमको पता चल गया था कि दादी को बुखार लगा हुआ, हमको लगा कि और दादी के खाने लाने दिल भर दाब दिया दादी। लेकिन आपका भी ख्याल बनता है, समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल 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 नहीं लोग पर। सो फाइनली हम आ गए अपने घर पे एंड बहुत ज़्यादा बोले तो आँख मेरा फड़फड़ा रहा था बिकॉज सुबह उठने में ना उठकर और ना सोना दिन में तो थोड़ा सा टफ लगता है, तो जाएंगे अभी तुरंत में सो जाएंगे बोले तो आधा घंटा मोबाइल वगैरह जो भी चलाना होगा वो चलाएंगे फिर सो जाएंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग,